सुना आपने, पड़ोस वाले शर्मा जी ना इस बार वैकेशन के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं। क्यों ना हम भी इस बार सिंगापुर चलें? इस बार थोड़ा मार्केट की पोजीशन टाइट है और कैश की भी तकलीफ है, अगली बार देखेंगे। चलिए ना प्लीज, प्लीज चलिए ना, बच्चों को भी मजा आएगा। डार्लिंग समझा करो, वहाँ जाने से 2-3 लाख का खर्चा हो जाएगा। प्लीज चलिए ना, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। एडजस्टमेंट मुझे लोन लेना पड़ेगा किसी से। प्लीज मैं कुछ नहीं जानती, आप कहीं से भी एडजस्ट कर लो। प्लीज चलिए, प्लीज प्लीज चलिए ना, प्लीज। ठीक है ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, कहीं से एडजस्टमेंट हो गई तो हम लोग चलेंगे। पक्का? थैंक यू। ओके। हाँ पंकज। हाँ दिनेश भाई, क्या हाल है? एकदम बढ़िया, तू बता कैसा चल रहा है बिजनेस? मस्त एकदम बढ़िया, क्या बात है, आज इतने दिनों बाद याद किया है। अरे यार एक्चुअली एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी तुझसे। हाँ हाँ बता बता। तू है कहाँ वैसे? मैं तो इस समय तेरे घर के आसपास ही हूँ। अरे भाई वेरी गुड, एक काम कर ना, तू मेरे घर पे आ जा तो हम लोग साथ में बैठ के चाय भी पियेंगे और बात भी हो जाएगी। चल ठीक है, मैं 5 मिनट में पहुँचता हूँ। ओके चल आजा, मैं वेट करता हूँ। बाय बाय। अरे 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 आजा आजा आजा, क्या हाल चाल है? कैसा है? बस बढ़िया, कब से तेरा ही वेट कर रहा था, आजा बैठ बैठ। और कैसा चल रहा है सब? सब मस्त। काम काज कैसा है? सब दुआ है। अरे सुनो पंकज आया है, पानी तो लेकर आओ। और बता इधर कैसे आना हुआ तेरा? अरे यार थोड़ा बिजनेस के काम से आया था। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मुझे कुछ काम में काम था, मैंने तेरे को उसके लिए फोन किया था। आ जा। कैसे हो? नमस्ते बाबू जी, सब अच्छा, आप कैसे हैं? चाय रख लेना। हाँ। ले। ले यार। और बता कैसे चल रहा सब काम काज? सब ठीक है। आज इतने दिनों बाद कैसे याद किया मुझे? एक्चुअली यार मुझे तेरी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ बता बता। मुझे कैसे कहूँ यार, मुझे बहुत शर्म आ रहा है कहने में। देख दिनेश तू मेरा बचपन का दोस्त है, मुझसे कुछ मत शर्मा, बेझिझक कह दे। मुझे यार कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ हाँ बता, कितने चाहिए? करीबन 2 लाख रुपए। मैं तुम्हें दे तो दूँ, लेकिन अचानक तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों आन पड़ी है? यार एक्चुअली अभी तुझसे क्या छुपाऊँ, हमारे जो पड़ोसी हैं शर्मा जी, वो फैमिली के साथ सिंगापुर जा रहे हैं वैकेशन के लिए, तो अभी मेरी वाइफ और मेरे बच्चे जिद लगा के बैठे हैं कि हमें भी सिंगापुर जाना है, और तुझे पता है मार्केट की पोजीशन क्या है, तो मैं तुझे धीरे धीरे करके चुका दूंगा, या तुझे चाहिए तो तू इंटरेस्ट लगा देना। देख दिनेश बात पैसों की नहीं है, लेकिन आखिर कब तक तुम ऐसा करोगे, दूसरों को देकर अपना घर कब तक ऐसे करोगे? यार मैं उनको समझा समझा के तंग किया हूँ पर वो मेरी सुनते ही नहीं है। आई बेटी। मामी। आई। हाँ बोल। मम्मी मुझे न्यू कपड़े चाहिए। बेटा कितने सारे कपड़े हैं तेरे पास? मम्मी मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी, मुझे न्यू कपड़े पहन के जाना है। बेटा अभी तो लिए थे तूने नए कपड़े। प्लीज मम्मी प्लीज प्लीज। ठीक है, पापा से कहकर आज ही दिलवा देती हूँ। दाल चावल आलू। नहीं मुझे डोमिनोज का पिज्जा खाना है। कल ही तो खाया था पिज्जा, आज भी खाना है। ठीक है मंगवा देती हूँ। सुनो जी लंच के लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो। चलो सब चलो कपड़े चेंज कर लेते। हाँ जी मैं अलंकार से बोल रहा हूँ दिनेश आहूजा।
हाँ हाँ, एक अपना फार्म हाउस पिज्जा चाहिए, हाँ मीडियम मीडियम और चीज बस। हाँ हाँ ओके जी। दिनेश तू कर क्या रहा है? जो बच्चे बोल रहे हैं वो तू कर रहा है। अगर ऐसा ही करता रहेगा तो बच्चे कभी जिंदगी में पैसों की कदर करना नहीं जानेंगे। यार मैं क्या करूं, मैं समझाता हूं पर वो समझते ही नहीं है। अरे तू समझाता कैसा है, कुछ खुद तो एफर्ट्स उठा। अभी उसने बोला पिज्जा मंगा के, तो तूने मंगा के दिया। वो बच्ची बोल रही है मुझे न्यू कपड़े चाहिए, मम्मी बोल रही है हाँ पापा से दिलवा देती हूँ, कुछ मना ही नहीं करते तुम लोग। यार मैं तो उनको समझाता हूँ पर क्या करूँ, अभी बच्चे हैं तो उनको ज्यादा मना भी नहीं कर सकता ना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तू तो कर्जे में आ जाएगा, कैसे करेगा आगे जिंदगी में? क्या करूँ यार, वो मेरी समझते नहीं है, तू समझा, शायद तेरे कहने से समझ जाए। ठीक है अब मैं ही समझाता हूँ, बुला सबको बाहर। लक्ष पलक इधर आओ, मम्मी को भी बुलाओ। बच्चों मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, इसलिए कल मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा पिकनिक। अंकल बताना हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। आज मैं तुम लोगों को वो सब चीजें दिखाऊंगा जो तुमने कभी देखी नहीं होंगी। अंकल बताना किधर जा रहे हैं अंकल प्लीज। बेटा आज तुम लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है। वाओ लक्ष्य कितना मजा आएगा ये। बेटा तुम्हें आज यही जगह दिखाने लाया हूँ। आओ दिखाता हूँ तुम्हें। आओ ये देखो इनका घर, कैसे ये लोग रहते हैं। देखो ना पक्की दीवारें हैं, ना लाइट है, ना कुछ है। आप लोग को क्या कुछ नहीं है। आओ आओ अंदर आओ, दिखाता हूँ और कुछ दिखाता हूँ। ये देखो यही इनका रूम है और यही इनका किचन। अब इनके मुकाबले में क्या नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी कितनी जिद है तुम लोगों को, कितनी फरमाइश है। मुझे ये घूमना है, मुझे वो घूमना है। देखो कैसे जीते हैं ये लोग। इनका चूल्हा देखो, ये गैस सिलेंडर पे नहीं लकड़ियों पे चलता है। न जाने कितने किलोमीटर दूर जाके लकड़ियां इकट्ठा कर करके ये लोग अपना चूल्हा जलाते हैं कुछ खाना बनाने के लिए। और लक्ष्य तुझे पिज्जा खाना था ना भाभी जी, आपको सिंगापुर जाने की जिद थी ना। इन लोगों को देखिए, ये लोग बेचारे अपना गांव तक नहीं छोड़ के बाहर जाते, तो ये जिद कैसी भाभी जी। Thank you.
अलग, तुम्हें इतने कपड़े होने के बावजूद भी न्यू कपड़े चाहिए थे। इन लोगों को देखा तुमने, दूसरों के पुराने कपड़े मिलने पर भी कितना खुश हो रहे हैं। सॉरी अंकल। इट्स ओके बेटा, आगे से ख्याल रखो। थैंक यू दोस्त, तूने मेरे बीवी बच्चों की आंखें खोलकर मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू। इसमें थैंक्स कैसा, ये तो मेरा फर्ज था दोस्त। चल। सुनिए जी। हाँ बोलो। मैं क्या कह रही थी, सिंगापुर इस बार रहने देते हैं, अगले साल चलेंगे। मम्मी मुझे भी न्यू कपड़े नहीं चाहिए। वेरी गुड बेटा। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। पर बेटा यहाँ पिज्जा कहाँ मिलेगा? पापा मुझे पिज्जा नहीं, दाल चावल चाहिए। नमस्ते दोस्तों। हम लोग एक दूसरे को देखकर हमेशा उससे तुलना करने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि उसके पास कितना कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है और मैं सिर्फ एक छोटी सी बाइक पे। उसके पास कितना बड़ा बंगलो है और मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी बिल्डिंग में एक छोटा सा फ्लैट। और हमेशा दूसरों को देख कर उनसे तुलना करके अपने घर की सुख शांति खो बैठते हैं और परिवार वालों को भी दुखी कर बैठते हैं। अब स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए। हम लोग कितना सोचते हैं कि उसका बेटा कितने बड़े स्कूल में जा रहा है और मेरा बेटा छोटे स्कूल में जा रहा है। बच्चों को शिक्षा चाहिए, बड़े स्कूल का स्टैंड नहीं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे हिंदुस्तान में कहीं लोगों को रहने के लिए पक्के घर तो क्या, खाने के लिए दो वक्त की रोटी तक नहीं नसीब होती। अगर आप और हम अपने से ऊपर ना देख के अपने से नीचे देखेंगे ना, तो हमारे पास बहुत कुछ है। हम बहुत अमीर हैं। अगर किसी के पास बहुत कुछ है तो उसने उसे पाने के लिए जिंदगी के सफर में न जाने कितने बीज बोए होंगे। लेकिन हम वो सब नहीं देखते। हम देखते हैं तो बस उसके पास हमसे ज्यादा है। इसलिए दोस्तों, दूसरों को देखकर अपनी खुशियों को आग मत लगाइए। अपनी ही जिंदगी की खुशियों का आनंद अपने परिवार के साथ उठाइए। धन्यवाद।